नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम दिव्य नियति में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपने अक्सर विभिन्न विभिन्न दोषों के बारे में जरूर सुना होगा कि कुंडली में जब दोष का प्रकोप होने लगता है तो जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में एक दोष के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो दोष है काल सर्प दोष, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये दोष कुछ है ही ऐसा कि जब ये जीवन में लगता है तो नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में क्या इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या इस दोष में कुछ उपाय करने से हमारे जीवन में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है? बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करने वाले हैं, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गेशा आचार्य जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय महाकाल। जय महाकाल। आचार्य श्री, आपने अभी तक हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के दोषों के बारे में जानकारी प्रदान की है, जिसका रिस्पांस जो है दर्शकों से हमें बहुत ही अच्छा मिला कि जो भी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें उपाय बताए, जो भी बातें उन्हें बताई उन्होंने अपने जीवन में लागू की और अपने जीवन में बदलाव पाया। तो ऐसे में दर्शकों की डिमांड पे एक विषय मैं आपसे जानना चाहूँगी, उस पर जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स की कॉल आई जिनका प्रश्न ये था कि हमें काल सर्प दोष के ऊपर जानकारी प्रदान कीजिए, क्योंकि इस दोष को हमें लगता है कि यदि ये दोष हमारे जीवन में लग जाए तो जीवन तहस नहस हो सकता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि काल सर्प दोष कैसा दोष है, अगर ये किसी जातक की कुंडली में लग जाए तो क्या सच में उसे इतना भयभीत होने की आवश्यकता है? जी, जय महाकाल। जैसे कि बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया कि काल सर्प दोष जिस जातक के कुंडली में लग जाता है, क्या उसको उससे भयभीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वाभाविक चीज है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, अगर जो कोई भी दोष लग जाता है, काल सर्प दोष, इसका नाम ही ऐसा है कि लोगों को सुनने के बाद से अंदर डर पैदा हो जाता है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि का जो नियम है, यहाँ समस्या है तो समाधान है, बस करना है तो एक सही व्यक्ति के चुनाव करके उसका समाधान करने की कमी हो रही है, जो कि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और पहुँचते भी हैं तो उस चीज़ को करने में या तो कभी हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं या परिवार में कुछ और परेशानियाँ चल रही होती है, जिसके कारण जो है हम वहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं या रुक जाते हैं। तो कभी भी इस तरह की दिक्कत हो तो एक बार जो है अवश्य जो है नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर आप टेलीफोन कर सकते हैं, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि काल सर्प दोष, काल सर्प दोष जो है राहु और केतु के आमने सामने हमेशा जो है गोचर होता है। तो जब राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह हैं, उपग्रह भी बोलते हैं इनको, छाया ग्रह भी बोलते हैं, इनके बीच मध्य में जब हमारे सात ग्रह जो हैं वो बैठ जाते हैं तो वही व्यक्ति के लिए काल सर्प दोष बन जाता है। काल सर्प दोष जिस जातक की कुंडली में लग जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में चार तरह की समस्याएं हमेशा बनी रहती है। कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, कभी पारिवारिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, कभी जो है स्वास्थ्य से समस्या झेलनी पड़ती है, कभी मान हानि वगैरह का सामना भी करना पड़ जाता है। इसमें कोई भी दोष हो तो दोष का समाधान अति आवश्यक करें। आप ये प्रतीक्षा ना करें कि आज आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपको ये लग रहा होगा, आपके मन में ये बातें बैठी हो कि नहीं, हम अपने कर्म से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से हम अपना सारा कार्य सिद्ध कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस गलतफहमी में कभी ना रहें। क्यों? क्योंकि ये जो है जब तक प्रभावशील नहीं हो रहा है तब तक तो सब कुछ आप संभाल सकते हैं,
लेकिन जैसे ही इसका प्रभाव बढ़ना चालू होगा, आपके जीवन में समस्याओं का आगमन होगा, उस दौरान जो है व्यक्ति का विवेकहीनता सबसे पहले जो है समाप्त हो जाती है, विश्वास का दौर कम हो जाता है, व्यक्ति सही मार्ग को नहीं ढूंढ पाता है, उग्र स्वभाव में आने लगता है व्यक्ति। जैसे सर्प दोष का मतलब क्या हो गया, कोई सर्प है, अगर जो वो किसी को डंक मारेगा तो स्वाभाविक चीज़ है कि उसकी जहर शरीर में फैलेगा, और जैसे जैसे उसकी जहर का फैलाव होगा वैसे वैसे हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, ये काल सर्प दोष है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि काल सर्प दोष क्या होता है, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने भी यह जानकारी बहुत अच्छे से समझ ली है, जान ली है। लेकिन एक प्रश्न और मन में आया है, जैसे कि काल सर्प दोष की बात हो रही है तो आपने हमें इस कार्यक्रम से पूर्व भी बताया है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है, तो यदि काल सर्प दोष की हम बात करें तो वो कौन से ग्रह होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें हमें देते हैं? देखिए, ये जैसे मैंने बताया राहु केतु के मध्य में आने से सारे ग्रह जो है पीड़ित हो जाते हैं, और जब ग्रह पीड़ित होते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर चलने लगता है। मानव जीवन पर जब इसका प्रभाव बढ़ने लगता है, व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होते चला जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कभी स्वास्थ्य से समस्या, कभी आर्थिक परेशानी, कभी जो है मानसिक तनाव, कभी पारिवारिक उत्पीड़न, कभी मानहानि, अनेकों तरह से जो है व्यक्ति को एक घेरने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि ग्रहों पर ही आधारित हमारा जीवन होता है। ग्रह अगर जो आपके साथ हैं, उनकी प्रबलता अगर जो आपको प्राप्त हो रही है, आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा जीवन चलता है, और अचानक हमारे जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएँ घटित होने लगती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे ये जब किसी भी मानव के जीवन पर लगता है तो व्यक्ति जो भी सपन देखेगा उसमें एक बार जो है सर्प देवता का दर्शन जरूर उसको देखने को मिलने लगेगा। जब ऐसा आपके जीवन में होने लगे तो आप समझिए कि आपके जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव बनना प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है काल सर्प दोष के बारे में, कि किस तरीके से ये दोष जीवन में उत्पन्न होता है और किस तरीके से हमारे जीवन में समस्याओं का उत्पन्न करता है। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, या आपने कभी अपनी कुंडली का आंकलन करवाया हो और आपको ये मालूम चला हो कि आपके जीवन में भी काल सर्प दोष लगा हुआ है, तो ऐसे में एक बारी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे विशेष और चूक उपाय बताए जाते हैं जिसे आप सरलता से कर अपने जीवन की समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर सकते हैं। तो यदि जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, साथ ही साथ यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जिसमें आप टेलीफोन पर अपनी समस्याओं को साझा आचार्य श्री से करेंगे। दूसरा, जिसमें आप व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा भी कर सकते हैं और निवारण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको संस्थान में कॉल करनी होगी, अधिक जानकारी भी आपको संस्थान से ही प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संस्थान के नंबर्स केवल यही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम आकांक्षा है, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी आकांक्षा जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी, जय महाकाल। जय महाकाल पंडित जी। बताइए बेटा, क्या समस्या आपके जीवन में आ रही है? पंडित जी, मेरी अभी 2 महीने पहले जॉब लगी थी और वहाँ मेरी लड़ाई हो गई किसी से, तो मैंने वो जॉब स्विच कर ली और अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ, मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए जो आपको उत्तम लगे, सुंदर लगे, वो नंबर मुझे बताइए। जी पंडित जी, 5। 7 नंबर आपने बताया, ठीक है बेटा।
आप अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण कर दें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बेटा आपका जो नंबर आपने मुझे बताया, 7 नंबर बताया, 7वीं जो राशि होती हैं वो तुला राशि होती हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र जो है स्त्री कारक रह हैं, आप लोग के लिए सुख सुविधाओं का कारक बनते हैं। आपके जो जीवन है, आपके कुंडली में शुक्र इस वक्त शत्रु भाव में विराजित है, षष्ठमेश भाव में है, जहाँ से आपका नौकरी तो छूटा ही है, साथ में कुछ कर्ज भी आपके ऊपर हो चुका होगा। इसके साथ जो है माता जी के स्वास्थ्य में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती होगी आपकी। जी पंडित जी, मैं जो देख पा रहा हूँ आपके घर परिवार में अचानक अकाल मृत्यु वगैरह हुआ था क्या किसी का? नहीं पंडित जी। हाँ, वो प्रभाव जो है हुआ था और वो प्रभाव जो है आपके पूरे जीवन पे चल रहा है, आपके परिवार पे चल रहा है। आपके परिवार के आप ही नहीं, जितने भी सदस्य हैं किसी ना किसी रूप से ग्रसित हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे आप टेलीफोन करके हमसे विस्तृत रूप से बात कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा समय अवधि कम है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ, संभव हो तो उस उपाय को जरूर करें। बिल्कुल महाकाल कृपा करेंगे, आशीर्वाद बना रहेगा। आप जो है गुरुवार के दिन अपने बराबरी का एक पीला धागा ले लें, साथ में 1.25 मीटर पीला वस्त्र लें और 250 ग्राम चने का दाल और 250 ग्राम गुड़, उसको उस पीले वस्त्र में बांध दें और उसके मुख को जो आप अपने बराबरी का धागा लोगे उससे पैक कर दो, उसे किसी गरीब को दान करो या किसी मंदिर में दान करो और एक मीठा फल गौ माता को खिलाओ, मनोकामना पूर्ण होगी, नौकरी लग जाएगी। ठीक है, जय महाकाल। तो बिल्कुल आकांक्षा जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। यदि मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है जिसके कारण से ज़्यादा वार्तालाप करना संभव नहीं होता, क्योंकि अन्य दर्शक भी होते हैं जिन्हें अपनी समस्याओं का समाधान आचार्य श्री से जानना होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप विस्तारपूर्वक यदि जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए और आप फिर देखिएगा कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए और आप संस्थान के नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की और वो सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प दोष को लेकर, तो अब सवाल मेरा ये रहेगा, आपने ये तो बताया कि काल सर्प दोष कैसे उत्पन्न होता है, किन ग्रहों के कारण उत्पन्न होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम नहीं समझ पाते कि किस कारण से आती है। तो ऐसे में यदि हम काल सर्प दोष की बात करें तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं समस्याओं के, जिससे हम ये समझ पाए कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो काल सर्प दोष के कारण ही हो रही है? जी, सबसे पहला लक्षण उसका ये है कि व्यक्ति का करियर जो है स्थिर नहीं होता है। जैसे वो नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी 6 महीने के अंदर अंदर छूटती रहती है। दूसरा, अगर जो व्यावसायिक है तो व्यवसाय रूप में उसको जो है हमेशा लॉस होता है। तीसरा, व्यक्तिगत रूप से जो है उसकी शारीरिक पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती है। चौथा, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बना रहता है। मतलब एक कहा जाता है ना कि जिस तरह एक चूहे को देख करके एक सर्प जो है उसको अपना आहार बनाना चाहता है, उस तरह का ये मानव के जीवन पे लक्षण प्रदान करता है। बनते बनते कार्यों में रुकावट करेगा। हमेशा जो है व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास करके जिसके भरोसे आगे बढ़ेगा वो व्यक्ति उसके साथ छल करेगा, वो व्यक्ति पीड़ित होगा, जहाँ पे उसको मानसिक तनाव भी झेलनी पड़ेगी, यहाँ तक कि पारिवारिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ जाता है, बच्चों का सदमार्ग जो है वो भटकाव हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है व्यक्ति के जीवन में यदि उसके जीवन में काल सर्प दोष का
आगमन हो जाए और कुंडली में काल सर्प दोष लग जाए। बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें और हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। और भी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। हर हर महादेव आचार्य जी। जी जी, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए, कॉलेज के लिए, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, ऐसा पता नहीं क्यों। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें पैसे की प्रॉब्लम है या उस वजह से। ठीक है, आप परेशान ना होइए राहुल। आप जो है 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए जो अच्छा लगे आपको, मुझे बताइए। 3, 2। हाँ, आप जो है 3 बार जय महाकाल बोल दीजिए माता पिता का ध्यान करते हुए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। राहुल, आप जो है 2-3 बार जो है पैसा भी आपका फंस चुका है इसमें, साथ में जो है कुछ ग्रह का जो है प्रभाव इस तरह से पड़ा है कि कई बार आप मेडिकल में भी फेल हो चुके हैं। इस तरह की जो रुकावट बन रही है, जो आप पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपकी जो नंबर आपने बताया, 2 नंबर बताया, दूसरी राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। वर्तमान की स्थिति जो मैं देख रहा हूँ, मन से जो है दुविधा भरी जो है जीवन जी रहे हैं आप। आपका मन कभी बाहर जाने का कर रहा है और कभी बिल्कुल जो है मन से आप बाहर जाने का जो ख्याल है उसको छोड़ दे रहे हैं। एक संघर्षशीलता के साथ निष्ठावान होकर के प्रयास करें, सफलता मिलेगा। आपकी कुंडली जो है, जो आपने नंबर बताया है, आप वो ही जो है आपके राशि के स्वामी भी बन रहे हैं। तुला राशि बन रही है आपकी, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र बन रहे हैं और शुक्र आपके कुंडली में अपने शत्रु ग्रह गुरु के साथ विराजित हैं, वो भी आपके कर्म क्षेत्र पे, जहाँ से दशम भाव देखा जाता है, कर्म पिता करियर का स्थान, वहीं से बाध्य हो रहा है, आपका करियर वहीं से रुक रहा है। समय अवधि कम है, मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ उसको करें। कुछ विशेष बातें भी मैं आपको बताऊंगा, नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। आप जो है बाहर जाना चाहते हैं, इसके लिए प्रतिदिन शुक्रवार के को और सोमवार को इसी ध्यान से कीजिएगा। एक जो है पेपर पे आप अपना नाम लिखिएगा और जिस देश में आपको जाना है उस देश का नाम लिख करके और माता लक्ष्मी के चरण कमलों में उसको जो है जिस तरह हम आवेदन लिखते हैं, आवेदन को समर्पित कीजिएगा। और सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में एक घी का दीपक उत्तर मुख खड़े होकर के प्रज्वलित कीजिएगा, माता पिता का ध्यान करके सफलता मिल जाएगी। ठीक है, जय महाचार्य जी। बिल्कुल, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप संस्थान से भी जुड़ सकते हैं, संस्थान के नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ और छोड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अनिल है। जी अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बल्लमगढ़ से, तिगांव जी, हरियाणा। थोड़ी सी ना समस्याएं चल रही है जीवन में, ये कब तक चलेंगी और कब इससे बाहर निकल सकता हूँ मैं? बिल्कुल, आप परेशान ना होइए। आप 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताइए। 3। और आप जो है अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार महाकाल का उच्चारण करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जी महाराज जी, समस्या तो आपकी आर्थिक रूप से है। जी आर्थिक रूप से जो है
काफी ज्यादा जूझ रहे हैं आप, संघर्षमय जीवन बना हुआ है, जिस भी कार्य को आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कार्य आपका 2.4 पॉइंट से हमेशा चुक जा रहे हैं, आपके कर्म का लाभ कोई दूसरा ले रहा है जी। दूसरों के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें अगले को 100% लाभ मिल रही है, लेकिन जब आप अपने जीवन के लिए कुछ उत्तम करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे आप असफल हो जा रहे हैं, निराशाएं निराशा जो है आपके आसपास बढ़ जा रही है, मन की स्थिति भी जो है वो भटकाव में है, किसी स्त्री के प्रति जो है आपका लगाव ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण जो है पारिवारिक जीवन में भी जो है तनाव झेलना पड़ रहा है आपको। जब तक आप उस स्त्री से दूरी नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी, क्योंकि ये समस्या जो है आपके ग्रह की वजह से नहीं है, आपने तीसरा नंबर बताया, तीसरा नंबर जो है वो मिथुन राशि का होता है, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं जो वाणी विवेक व्यापार सबके कारक होते हैं, सूर्य के काफ़ी करीबी ग्रह हैं ये, इनको ग्रहों का युवराज भी बोला गया है। चलिए समय अवधि कम है, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर विस्तृत रूप से फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको कुछ बातें जो है लाइव में नहीं बता पा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा वर्तमान में आपको एक नियम दे रहा हूँ, संभव हो तो उसको ज़रूर करें। रविवार के दिन आप जो है अपने बराबरी का एक सफ़ेद धागा लें और आपके आसपास कोई कांटेदार वृक्ष हो तो उसमें 7 गांठ मारें, अपने माता पिता का नाम लेकर के अपना नाम लेकर के, और वहाँ पे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बिल्कुल जो है राहत मिलेगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल जय महाकाल। तो बिल्कुल क्या कुछ करने की आपको आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सुनील है और मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। जी सुनील जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। हाँ महाराज जी, मैं अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, आप जो है अपने दोस्त का नाम लेकर के और 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर जो आपको अच्छा लगे आप मुझे बताओ। जी जी बिल्कुल, 8 5 नंबर, चलो ठीक है। आप जो है माता पिता के ध्यान करते हुए 3 बार महाकाल का उच्चारण कर दें। जी, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सुनील, लव लाइफ में दिक्कत तो पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा है आपके। हाँ हाँ बिल्कुल, लंबे समय से आप रिलेशन में हो, लेकिन जी हाँ, पिछले जो है 7 साल हो गए हैं लगभग महाराज जी। पिछले जो है 1.5 वर्षों से जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे तनाव हो रहा है, अनबन हो रहा है, इस हाँ, तरह की स्थिति में संबंध अच्छा नहीं चल रहा महाराज जी। इसमें जो है 1.5 वर्ष पहले कोई एक आपका नया दोस्त आपके साथ जुड़ा जो सारे षड्यंत्रों का कारण बना हुआ है आपके जीवन में। आपने उसको अच्छा बताया था अपने लव लाइफ के विषय में? जी हाँ, वो जानता तो है। जी जी, आप वो जानता ही नहीं, आपने मिलवाया भी है उसको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो जानता है हम दोनों के बारे में, हमारे दोनों के रिलेशन के बारे में। जी, और जो भी कार्य आप करते हो उसकी सूचना आपके दोस्त तक पहुंचाने वाला वही व्यक्ति है, और वो उसके बहकावे में आ चुकी है, जिसके कारण छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे लड़ाई झगड़े सब कुछ शुरू हो चुका है आपके जीवन जी महाराज जी। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये कुछ अभी 1.5-2 वर्षों से ही ज्यादा दिक्कत आ रही है महाराज जी। बिल्कुल, आप जो जी है महाराज जी, मैं उसे खोना नहीं चाहता, कैसे इसको किया जाएगा कुछ मुझे बताएं, कुछ मार्गदर्शन करें आप मेरा। बिल्कुल, मार्गदर्शन हम आपको दे रहे हैं, अभी तो समय अवधि को देखते हुए मैं एक आपको उपाय दे रहा हूं, उस उपाय को आप करें। साथ में नीचे दिए हुए नंबर पे आप एक बार हमें टेलीफोन जरूर कीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो कि मैं लाइव में नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। महाराज जी आपसे बात हो जाएंगी ना मेरी? बिल्कुल, मेरे से बात होगी या मेरे आश्रम में रहने वाले आचार्य गणों से बात होगी। निसंकोच आप जो है अपना प्रश्न वहाँ पे रख सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप जो है वर्तमान में एक काम कीजिए,
दो जो है अपने बराबरी का ब्लैक धागा लीजिए, उसमें सात गांठ जो है अपने दोस्त का नाम लेकर के मारिए और उसको जो है अपने बाएं हाथ में बांध करके रखिए। साथ में जो है प्रतिदिन आप जो है संभव हो तो पीपल वृक्ष के पास सुबह में जाइएगा, एक घी का दीपक जलाइएगा और अपने प्रेमिका का नाम लेकर के, ठीक है जी, बिल्कुल इसमें राहत मिलेगी। बाकी आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे जरूर एक बार फोन कीजिएगा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कन्फर्म रूप से बताऊंगा, ठीक है ना? ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, इन बातों को सुनकर मत बैठिएगा, पालन भी कीजिएगा, तभी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। इसी के साथ साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने लिए कुछ विशेष यज्ञ पूजा अनुष्ठान यदि आप कराना चाहते हैं तब भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में अब आपसे कुछ विशेष उपाय जानना चाहूँगी, कुछ सामान्य उपाय जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हम कालसर्प दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आपने दी, लेकिन अब उससे रिलेटेड मैं उपाय जानना चाहूँगी कि यदि किसी जातक के जीवन में कालसर्प दोष लगा हुआ है और अभी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो क्या कुछ सामान्य उपाय इस दोष से बचने के लिए कर सकते हैं? देखिए, इसका सामान्य उपाय ये है कि अपने घर के कुल देवी देवता का अधिक से अधिक पूजन करें, माता पिता का अधिक से अधिक सेवा करें, साथ में जो है शिव मंदिर में जल चढ़ाना ना भूलें, जल चढ़ाएं और वहाँ जो है एक घी का दीपक लगाएं और वहाँ बैठ करके महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें जी, बिल्कुल कंटिन्यू इसको 21 दिन करें, उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, सच्चाई ये है कि उसकी शांति उनको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन थोड़ा होता है और शांति जो है पूरे जीवन में शांति ला देता है, सुख समृद्धि प्राप्त करा देता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने विशेष उपाय भी हमारे दर्शकों को बताए। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आज का विशेष संदेश। बिल्कुल, आज का विशेष संदेश हमारा ये रहेगा कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे वो आपके भाई बहन का रिश्ता हो या दोस्त का रिश्ता हो या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, उस रिश्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि आज की भाग दौड़ के जीवन में पास में बैठे कुछ लोग भी जो है अपने माता पिता का या अपने भाई बंधुओं का आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं। छोटे बड़े का भेदभाव ना करें और हर एक व्यक्ति का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके भावनाओं का कद्र करें, उससे आपका रिश्ता बना रहेगा और रिश्ता जब बना रहेगा परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। बिल्कुल, तो दर्शकों विशेष संदेश भी आपने जान लिया और साथ ही साथ आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है काल सर्प दोष को लेकर कि यदि जीवन में काल सर्प दोष लगा है तो क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ काल सर्प दोष यदि जीवन में लगा है इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको जीवन भर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ उपाय अपनाने से, कुछ निवारण करने से यह दोष आपके जीवन से हट भी सकता है, समाप्त भी हो सकता है। तो कोशिश आप करते रहिए, कार्यक्रम से जुड़े रहिए और साथ ही साथ आपकी कॉल यदि आज कार्यक्रम में नहीं लग पाई तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम के बाद भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संस्थान के नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल दर्शकों, आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।